हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि अभी रिसेंटली आज ही के दिन में दो पेपर हुए हैं ग्राम सचिव के, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। ये जो वीडियो है, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को सॉल्यूशन देना है आज शाम के पेपर का। 9 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ है उसके अंदर हम लोग जो जो क्वेश्चन आए हैं उनका जितना मैं कर पाया हूँ, अभी अभी मेरे पास पेपर पहुँचा है, अभी अभी मैंने इसको सॉल्व करके कोशिश किया है कि व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को बता पाऊं। बिना कुछ फालतू बात किए हुए आपको फटाफट आंसर दे देता हूं मैं, ठीक है? यहां पे आपके जो है वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आया था। देखो पेपर मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत इजी लगा, ठीक है? हाँ, एक बता देता हूँ आपको, जो हरियाणा का पंचायती राज एक्ट है उसे पढ़ लेना भाई, 1994 वाला, वो बहुत जरूरी है, ठीक है? पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। वो मुझे वक्त रहा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा वो। हाँ जी, एक क्वेश्चन इसके अंदर आया कि करहो चोटी है वो कहाँ पे है। खैर बताने की जरूरत नहीं होगी करहो चोटी कहाँ पे है। करहो चोटी पंचकुला के अंदर है, ठीक है? पंचकुला के अंदर करहो चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर है, ठीक है? मोरनी पहाड़ी के अंदर है। मैं कल परसों ही ये बता रहा था, शायद पढ़ाए हुए पेपर में से क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर था, 1 नवंबर 1966 को किस स्मृति की जो है आपका, ये पूरा क्वेश्चन इस पर लिखा हुआ है, किस स्मृति की अनुशंसा पर हुआ था ये, मतलब हरियाणा राज्य का निर्माण जो है ना 1 नवंबर 1966 को किस स्मृति की अनुशंसा पे हुआ था। तो शायद ये भी सबको आता था, सरदार हुकम सिंह, ठीक है? सरदार हुकम सिंह। और मेरी हरियाणा की पहली वीडियो एक थी, एक मुझे कौन रोकेगा, उस वीडियो के अंदर मैंने पहली वीडियो में इस बारे में जिक्र किया था, बहुत इजी था। एक क्वेश्चन था, तांगनिका झील ये कहां पड़ती है? अब तांगनिका झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में था, इसका आंसर सही, ठीक है? ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है ये, तो बहुत ही आसान था लेकिन फैक्चुअल जरूर था। 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान लिया था, इनका नाम क्या था? इनका नाम है साइना नेहवाल, ठीक है? साइना नेहवाल इनका सही आंसर था, साइना नेहवाल। एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, कनेक्शन लेस और अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ये होता है यूडीपी, ठीक है? यूडीपी का फुल फॉर्म भी इन्होंने दे रखा है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो इसका सही आंसर था 1977, ठीक है भाई। 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा वन हरियाणा में कहां पे है? तो इसका सही आंसर रहेगा पंचकुला, ठीक है? पंचकुला के अंदर है। 1977 में अशोक मेहता समिति की अनुशंसा जो है, इसकी अनुशंसा पे कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है, ऑप्शन दे रखे हैं, मंडल पंचायत, महापंचायत, नगर पंचायत या पंचायत समिति, तो पंचायत समिति इसके अंदर जो है वो शामिल थी आपकी। क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, और क्वेश्चन था हमारा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति इन हरियाणा सेल बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी किस प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? तो इसका सही आंसर था चेयरमैन, या हिंदी में उसको कहा था अध्यक्ष हमने, ठीक है? अध्यक्ष। ये जो मैं पेपर करवा रहा हूं ये मेरे पास में सीरीज है, ओ सीरीज का पेपर करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? उसमें ये मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं आपको। बाण भट्ट, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था बाण भट्ट की रचना कौन सी है, तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा शायद, हर्षचरित इसका बिल्कुल ठीक आंसर था। एलोरा का कैलाश मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था कृष्ण फर्स्ट ने, ठीक है? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था ये वाला मंदिर। हरियाणा की सीमा जो है वो इनमें से किस राज्य के साथ लगती है? तो हरियाणा की सीमा ऑप्शन है हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम और मिजोरम। अरुणाचल तो देखो बहुत दूर दूर है, सिक्किम भी दूर है, मिजोरम भी दूर है, तो हिमाचल प्रदेश जो है इसका बिल्कुल ठीक आंसर था। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ऑप्शन है लद्दाख, सियाचिन, कारगिल और अक्साई, तो इसका सही आंसर था सियाचिन, ठीक है? जानते भी होंगे आप लोग सियाचिन, ठीक है? एक बाइट, ये मेरे कंप्यूटर का बहुत बार पढ़ाया हुआ है, मेरा मेमोरी का लेक्चर देख लेना प्लीज आप जाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ बाइट, जो हाफ बाइट होता है, हाफ बाइट पूछा था, माफ करना, हाफ बाइट जो होता है वो एक निब्बल होता है, याद रखिएगा, एक निब्बल, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये आपका। और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक निब्बल में कितने होते हैं? 4 बिट होते हैं, याद रखिएगा। चंडीगढ़ किसने बनवाया था? करंट अफेयर में तमाम बार पढ़ा होगा आपने, ली कार्बुजियर ने बनाया था भाई चंडीगढ़, ठीक है जी। अगला भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि रूल कनेक्टिंग व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन सेल, एक्सेल का क्वेश्चन था। सेल में कोई डेटा एंटर करना होता है तो रूल होता है आपका डेटा वैलिडेशन रूल, डेटा वैलिडेशन रूल इसका सही आंसर था। अगला हमारा था कि एक मक्खी, मधुमक्खी, चींटी दे रखे हैं, क्या होते हैं, कीट होते हैं, आप कीड़े मकोड़े के रूप में जानते ही हो इन्हें, ठीक है?
अगला हमारा क्वेश्चन भाई क्या रहेगा, भारत सरकार की पहल थी, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था इसे कि मेरी सहेली मेरी पहल, ठीक है, ये स्पेशली शुरू की थी भारतीय रेलवे ने, ठीक है, भारतीय रेलवे ने जो है ये शुरू की थी पहल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। नागफनी और रसदार वृक्ष की विरल और संकटग्रस्त प्रजाति के लिए एशिया का सबसे बड़ा बगीचा कहां पे है, तो ये हरियाणा के पंचकुला के अंदर पड़ता है, एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा का पुराना रेलवे स्टेशन सबको पता है रेवाड़ी के अंदर है भाई, बहुत आसान था। सबसे कम साक्षरता वाला जिला हरियाणा में मेवात है, सबको पता है। बांग्लादेश आजाद कब हुआ था, 1971 में, बहुत आसान था। ओटू बैराज, मैंने कल ही वीडियो बनाई थी याद हो आपको, झील और नदियों वाली, और मैंने बताई थी घग्गर हाकरा इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, घग्गर हाकरा जो है इसका सही आंसर रहेगा, कल ही तो बनाई थी शाम को मैंने। हरियाणा का 22वां जिला हमने कितनी बार तो पढ़ लिया, चरखी दादरी, ठीक है, चरखी दादरी, मैंने कहा था ना मेरे करंट अफेयर पढ़ के जाना भाई, ठीक है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कल परसों की जो भी वीडियो है वो सारी देख के जाना आप लोग। विग्रहराज चतुर्थ का एक क्वेश्चन आया था भाई इसके अंदर, ठीक है, ये किस शिलालेख या किस स्तंभ में है, मुझे इसका आंसर कन्फर्म नहीं हो पाया, ठीक है, मेरे हिसाब से विजयनगर स्तंभ में, मुझे भी मतलब कन्फर्म नहीं है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा यूं कहिएगा क्वेश्चन मार्क पे डाल रहा हूं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगला था बुंडेस्टैंग और बुंडेस्टैंड, ये कौन से देश के दो सदन हैं, ये जर्मनी के हैं भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जर्मनी के, ठीक है। हरियाणा का मंडल कौन सा नहीं है, रोहतक तो सबसे बड़ा है, गुरुग्राम है, हिसार है, रेवाड़ी नहीं है, ठीक है, तो रेवाड़ी इसका सही आंसर रहेगा। फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, करंट अफेयर में कितनी ही बार तो पढ़ा है हम लोगों ने, शेख फरीद, ठीक है, जिसने करंट अफेयर पढ़े हैं उनको थ्योरी तो बहुत अच्छे से आ ही गई होगी, उसको एक्स्ट्रा स्टैटिक नॉलेज रोज देता हूं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था या फिजिक्स का कह लो, चार्ल्स लो पूछा गया था, क्वेश्चन तो ये था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्या होता है, तो ये होता है बेसिकली आपका चार्ल्स लो। मैंने अपने एक केमिस्ट्री सेक्शन में देखना स्टार आईक्यू पे जाके एक गैसियस लो करके वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा तो देख लेना आप लोग, उसमें समझा रखा है कि चार उंगलियां पड़ती है ना तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, दोनों काम होते हैं, तो बेसिकली क्या है आपका, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, चार्ल्स का नियम था ये बेसिकली, ठीक है। हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई, सबको पता है निचली इकाई कौन सी होती है भाई, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है सबसे निचली इकाई। हरियाणा में नगर निगम, रात ही तो वीडियो बनाई थी यार आपके लिए मैंने, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, 10 है प्लस में एक होके 11 हो गए, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं था तो क्या लगाओगे, 10 लगाओगे, क्योंकि 11 तो अभी मानेसर बना है वो ऑप्शन नहीं आया, 11 ऑप्शन था ही नहीं तो 10 लगा दोगे, क्या दिक्कत है। अमृतवाणी किताब जो है ना ये किसने लिखी है, अमृतवाणी देखो भी मैं इस पे 100% श्योर नहीं हूँ, गरीबदास मुझे ठीक लग रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा अमृतवाणी किताब हरियाणवी भाषा में, गरीबदास ऐसा मुझे लग रहा है, आप एक बार इसे कंफर्म भी कर लेना, हल्का फुल्का मुझे इसमें कन्फ्यूजन है। अगला है कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल सबको पता है 44212 है भाई, ठीक है, सबको ही अच्छे से पता है इसके बारे में। IIM रोहतक की स्थापना कब हुई थी, देखो इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, बड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसकी स्थापना 9-10-11 के दौरान हुई थी, ठीक है, एक बार इसको भी आप कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, देखो ऑप्शन 2009 भी दे रखा है, ऑप्शन 2011 भी दे रखा है, ठीक है, तो कुछ जगह पे मतलब 9-10-9 वाला ऑप्शन ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है, 90%, तो एक बार इसको भी आप लोग, मैं इसे थोड़ा टेंटेटिव रख रहा हूँ एक बार के लिए। इंडो पैसिफिक क्वाड में कौन सा शामिल नहीं है, भारत है, जापान है, यूएस है, इंडोनेशिया नहीं है इसके अंदर। डोज का फुल फॉर्म पूछा था, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया भी होगा, डोज का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सबसे गहरी झील, बहुत आसान क्वेश्चन था, बेकाल, ठीक है, बेकाल जो है वो सबसे गहरी झील थी, बेकाल सबसे गहरी झील, ठीक है। एक पूछा था कि हरियाणा में HRDF का मतलब क्या है, HRDF पूछा था, फुल फॉर्म पूछा था HRDF, HRDF का फुल फॉर्म जो है वो होता है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इस मेरे पास में जो है वो। कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा था हमसे कि द डिवाइस दैट होल्ड्स अ डिस्क कॉल्ड, ये कौन सा डिवाइस ऐसा होता है जो डिस्क होल्ड करता है, तो उसको हम लोग डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं, डिस्क ड्राइव होता है वो आपका, डिस्क ड्राइव के नाम से उसे पुकारा जाता है, ठीक है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, एन यू
टी ए एन, ठीक है, ये कहा था कि इधर से उधर बदलिएगा, तो बदल दो एन यू सॉरी एन ए टी यू एन, तो बताओ कितने अक्षरों में हेर फेर हुआ है, तो एन में ही हुआ है ना केवल हेर फेर, तो एक में ही हेर फेर हुआ है इसका, एक बिल्कुल ठीक जो है आंसर मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। फरीदाबाद के सूरजकुंड झील का निर्माण, अब सूरजकुंड झील का निर्माण बताने की जरूरत नहीं होगी, राजा सूरज ने ही करवाई थी, तो राजा सूरजपाल इसका जो है वो बिल्कुल ठीक है, गुरमीत राम रहीम तो नहीं होगा, ऑप्शन दे रखा है इसमें, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, खैर ये तो आप लोग वैसे भी कर दें तो कि करवा तो देता ही हूँ मैं, ठीक है, जितना मुझसे सोल्व हो पाया मैं उतना करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एक, फिर दे रखा है दो, फिर पाँच, फिर दस, फिर सत्रह, और एक लाइन और रख रखते हैं तो सत्रह के बाद छब्बीस है, फिर सैंतीस है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, वही आपके एक तीन पाँच सात नौ चल रहे हैं, तो आगे जाके ये पचास आएगा आपका, ठीक है, पचास आएगा, ठीक है भाई। अच्छा, बांस के टुकड़े पर एक तार का इकलौता वाद्य यंत्र, एक तार वाला एक तारा ही होता है भाई, ठीक है, बोले मेरा एक तारा, एक बहुत अच्छा आपका फिलॉसफी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये क्वेश्चन, ठीक है। हमसे ये देखो पूछा गया था कि मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है, मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है आपका एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, ई पी आई एस टी ई एम ओ एल ओ जी वाई, एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है ये आपका। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है और दिल्ली पंजाब में फाजिलका को जोड़ता है, नाइन ऑप्शन नहीं था तो हम लोग एनएच टेन लगाएंगे, एनएच टेन इसका सही आंसर रहेगा आपका, बहुत ही आसान सा सवाल था आपका ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है, ऑप्शन में दे रखा है रत्नावली, रत्नावली तो है, नागानंद भी है, प्रियदर्शिका भी है, कादंबरी नहीं है, याद रखिएगा कादंबरी राजा हरिश्चंद्र की, राजा हर्षवर्धन की नहीं है, याद रखिएगा, तो कादंबरी इसका जो है वो सही आंसर रहेगा, ठीक है, कादंबरी। इनका डिटेल हम लोग फिर कभी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को फटाफट कल का पेपर है तो इन इसी हिसाब से आप लोगों को इनके आंसर जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। एक आपका पूछा था फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन, एमएस एक्सेल का पूछ रखा है, ठीक है, एमएस एक्सेल का पूछ रखा है, इसमें जो है मर्ज करने के लिए पूछ, सॉरी आपका कंबाइन करने के लिए पूछ रखा है, कंबाइन करने का फंक्शन कौन सा होता है, कंबाइन का फंक्शन होता है कॉन्कैक्ट फंक्शन होता है, याद रखिएगा कॉन्कैक्ट फंक्शन होता है कंबाइनिंग का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भाई, प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ पे है भाई, इसका भी मुझे अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक है, प्राचीन गुबंद आप देख लीजिएगा, ठीक है, पलवल है, भिवानी है, कैथल, मेवात, चार ऑप्शन दिए हैं इसमें। हरियाणा लोक सेवा आयोग में, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं भाई राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल करते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति वो राज्यपाल करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध आया था 1526, दूसरा सुबह आया था 1556, ठीक है, और तीसरा 1761, हो सकता है आपके कल के पेपर में आए। थर्मामीटर का डिग्री से रिलेटेड है, थर्मामीटर डिग्री से रिलेटेड है, तो घड़ी क्या होगी आपकी, क्लॉक क्या होगी, क्लॉक घंटे से रिलेटेड होगी भाई, घंटा होगा, घड़ी में घंटा ही होता है आपका मेनली। 23 अप्रैल 1966 को जे सी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे सी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने प्रतिवेदन अपना पेश किया था भाई 31 मई को, ठीक है, 31 मई 1966 को किया था आपका, ठीक है भाई। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर, ठीक है, ए ऑप्शन सही था इसका हमारा। हिंदी के मुझे मेरे किसी स्टूडेंट ने बताए थे, हिंदी के भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ फटाफट, ठीक है भाई, इसका डिटेल वगैरह तो देखो कोई इतना है नहीं मेरे पास में, ना मुझे हिंदी आती है प्यारे बच्चों। पद्मावत जो है, पद्मावत ये आपका क्वेश्चन था, पद्मावत इस वाले क्वेश्चन का आंसर था रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। सूर सागर जो है ना, सूर सागर, सूर सागर की रचना किसने की है, सूरदास ने, सूरदास ने की है सूर सागर की रचना। जीवनी कौन सी है इसमें से, तो इसमें से जीवनी है प्यारे बच्चों स्मृति के झरोके से, ठीक है, स्मृति के झरोके से। वाक्य के कितने भाग होते हैं, ठीक है, तो वाक्य के दो ही भाग होते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात ये है राम कुमार की, ठीक है, राम कुमार की, राम कुमार की। और काशी का बनारस की बोली है, ठीक है, बनारस की बोली है, बनारस की है, बनारस की बोली है काशी का। देश विदेश में कौन सा समास है, देश विदेश में जो है दौ दौ समास है,
ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर बने हैं, हिंदी में आए हैं, उनको तद्भव कहते हैं। तो इनका मैंने आपको हिंदी बता दिया है और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हो चुके हैं सारे, ठीक है। एक बार के लिए मैंने सारे बता दिए हैं एक्ट वाले क्वेश्चनों को छोड़ के, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अगर आपका कल पेपर है तो थैंक यू सो मच।